Hello everyone, good morning and welcome to my new blog. आज मैं जा रहा हूँ वशिष्ठ मंदिर है। यहाँ से करीबन 20 मिनट लगेगा। नेशनल हाईवे है, यहाँ पे ना ट्रैफिक होता है ना कुछ प्रॉब्लम है, डायरेक्ट हाईवे। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप लोग को आराम से जा सकते हैं। पहले तो यहाँ से 1.5 घंटा 1 घंटा ऐसा लगता था, कभी कभी 2 घंटा भी लग सकता था क्योंकि रास्ता छोटा था। अभी जो है हाई फाई बिंदास, चलाते रहो उड़ाते रहो और पहुंच जाएगा आप यू ही। और आज का मौसम बड़ा सुहाना है। सुहाना मतलब ये लाइक होता है ना, ये विंटर का फीलिंग मतलब आ रही, ठंड का दिन आ चुका है। आराम से इससे नहीं चलेगा, अभी चलेगा स्वेटर जैकेट। ये देखिए कितना सुंदर नजारा, मतलब गुवाहाटी में आप लोगों को ऐसा देखने को नहीं मिलेगा दूसरा जगह में, दूसरा रोड में। ये जो सिर्फ देखने को मिलेगा आपको, ये नेशनल हाईवे जो है चालुकबारी से खानापारा रोड, शिलोंग जाने का रोड, नौगांव जाने का रोड, इस साइड में ही ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। और ऐसा खाली रोड कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अच्छा सा जगह है, मंदिर है, और असम तो मंदिर के लिए फेमस है, माँ कामाख्या टेम्पल के लिए फेमस है। आप लोग अगर कभी गुवाहाटी विजिट करते हो तो मंदिर विजिट कीजिए, बहुत सारा मंदिर है। एक दिन में तो कुछ भी ख़त्म नहीं होगा, आपको मिनिमम 1 वीक चाहिए होगा टेम्पल घूमने के लिए। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं ना, नया नया बिल्डिंग बना रहे हैं, मतलब ये हाईवे के बगल में ना बहुत कुछ बनने वाला है। और बहुत कुछ शोरूम, बहुत कुछ शॉपिंग मॉल, ग्रोसरी मॉल्स, ये सब खुल चुका है। तो आप लोग गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा, जैसे कि जूडियो, जैसे कि बाजार इंडिया, जो भी हो। ये अभी हम मिलने वाला है ये वशिष्ठ चारियाली, यहाँ से हमको लेना पड़ेगा राइट। साइन बोर्ड की तरफ से हम लोग लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट लेंगे और सीधे जाएंगे राइट। यस, कितना था बेस हॉस्पिटल मिलेगा ये। ये रहा गेट, यहाँ से एंटर होगा। ये है ECHS पॉलीक्लिनिक, इस तरफ जाता है मेघालय रोड। ये है गुरुद्वारा साहिब का, ये देखिए गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल भी है। तो आगे आके यहाँ से राइट लेना होगा आपको। तो ये देखिए मंदिर का गेट मिल गया, और वहाँ पे पार्किंग करना होगा हम लोग का, है ना। पार्किंग चार्ज कुछ होता होगा क्या? पार्किंग चार्ज नहीं होगा शायद से, अगर होगा तो मैं ये पब्लिक एरिया में पार्किंग कर दूंगा। मेरे को फिर ये जो अगर फाइन लग गया, फाइन नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे चाय पिया था ना, वो साइड में वो दुकान है। जितना भी वशिष्ठों का बसेस दिखता है ना, यहाँ तक आता है वशिष्ठ टेम्पल तक, और वो जो देख रहे हैं ना टेम्पल वहाँ पे आगे। तो चलो पार्किंग कर लेते हैं, मैं आपको लेके आया वशिष्ठ टेम्पल। आज मेरा ब्लॉग को अंत तक देखना जरूर, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ वशिष्ठ टेम्पल अच्छे से, और पूरा A to Z दिखाऊंगा क्या क्या है, किस तरफ क्या क्या है वो। चलो चलते हैं। तो फाइनली मैंने गाड़ी पार्किंग कर दिया यहाँ पे छाव के नीचे, और एक भी दुकान खुला नहीं है तब तक। ओ वो वाला दुकान खुला है, वहाँ पे हमने लास्ट टाइम चाय पिया था, और बहुत सारा पार्किंग है यहाँ पे, टेंशन नहीं है, आप लोग आराम से आके फ्री में पार्किंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ, और फूल है ना, फूल लिया है ना, और धोया कि नहीं फूल, धोना पड़ेगा उस तरफ है ना। चलो यहाँ से आगे आपको गाड़ी लेके नहीं जा सकता है, फूल लेके आया और प्रसाद भी लेके आया घर से ही। ये यहाँ पे नो एंट्री बहुत बड़ा सा लगा हुआ है, गाड़ी एंट्री नहीं कर सकते। और ये देखिए सुबह सुबह चने की दुकान, और सुबह सुबह पानी पूरी की दुकान, रख के जाना पड़ेगा ठीक है। ये चप्पल चोरी हो गया तो क्या होगा, कोई नहीं, भगवान के नाम पे जाने। अच्छा को मिलेगा सब। हाँ तो यहाँ पे आंटी लोग मस्त से बैठा हुआ है, और अभी हम यहाँ पे चप्पल रखेंगे। आ जाओ इधर। हाय बकरे कैसे हो, बढ़िया ना। यहाँ पे आराम से, ओ ये देखो यहाँ पे मस्त नदियाँ भी है, ये देखो चप्पल रख देते हैं। चलो पूजा करके आते हैं फिर दिखाएंगे। हाँ चप्पल रख दिया है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
जूता चंदल मना है ऊपर ले, अब लेके नहीं जा सकते। चलो आगे दिखाते हैं, इस तरफ क्या है, इस तरफ भी स्टेयर्स है घर घर जाने का। यहाँ पे भी है हनुमान जी की मूर्ति, मुंह हाथ धो के अभी पूजा करेंगे। और यहाँ पे जो वाटरफॉल है छोटा सा वाटरफॉल आप लोगों को दिखाएंगे, अभी भी दिखा देता हूँ। ये देखो नज़ारा, वाओ कितना लोग है यहाँ पे, मस्त फोटो खींच रहा है वहाँ पे। वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ कितना अच्छा नज़ारा है गाइस। मैंने लास्ट टाइम जब आया था ना वहाँ, यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं किया था, क्या मस्त व्यू है गाइस। ये पूरा पहाड़ से आता है ये ऊपर की तरफ से, ये रहा आगे का व्यू, मस्त व्यू है गाइस, वाटरफॉल मस्त है गाइस। ये देखिए, ये देखिए, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, उस तरफ से भी, वाओ मस्त है, मस्त व्यू है। ओए चलो पहले पूजा कर लेते हैं, आ जाओ चलो। सो गाइस हमने पूजा कर लिया, झरने का पानी है वो पहाड़ से आता है, शायद ऊपर साफ है ना, नीचे गंदगी है, क्योंकि लोग पता ही है ना लोगों को क्या कर सकते हैं हम इसमें, ऊपर से जो चीज़ ऊपर से अच्छा आता है ना नीचे आके वो खराब ही हो जाता है, लोगों को सुधार आना चाहिए इस चीज़ में। तो गाइस चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा है ना। तो पूरा पूरा वीडियो आप लोग देख लिया है, मंदिर कैसे आना है गाइस। यहाँ पे फ्री का पार्किंग नहीं है, मैंने गलती से आप लोग को बोल दिया है। ये रहा पार्किंग, पार्किंग का ये लड़का लोग, यहाँ पे पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा 20 का। बीस रुपया दे दिया मैंने पैसे, 20 रुपया, और अभी हम जाएंगे। थैंक यू। तो हम लोग यहाँ से अभी चलते हैं, तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। ओके डोंट वरी, आई विल बी बैक सून, बाय बाय।